Hey guys, welcome back to our YouTube channel जिसका नाम है जो प्रवेदर आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं हूँ जोल और मेरे भाई उदित। आज हम एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे सर के लिए है। उन्होंने हमें ऑर्डर किया है कि उन्हें प्लान डेकोरेशन के लिए एक पॉट चाहिए, सो हमने गैस करा कि उनके लिए गुड आइडिया और हम दोनों ने बहुत डिसाइड करा कि हम उनके लिए क्या बनाएं, लेकिन हमने हैंड पॉट ये हमारा गुड आइडिया था क्योंकि ये सेफ प्लांट और सेफ ट्री पर थीम था। वेल, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हैंड पॉट बनाने के लिए हम सर्जिकल ग्लव्स ले रहे हैं, या आपको किसी भी मेडिकल शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैं इन ग्लव्स में फिल करने के लिए सीमेंट का एक पीस तैयार करूँगा। हमने पहले बोल में सैंड डाला और उसके बाद सीमेंट डालेंगे। और फिर सैंड और सीमेंट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दोबारा से मैं सैंड डालूंगा, इससे ये होता है कि सैंड और सीमेंट अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब हम वाटर डाल रहे हैं और इसका पेस्ट तैयार कर रहे हैं। और वाटर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, इस तरह का बन जाना चाहिए हमारा पेस्ट। अब मैं एक ग्लव्स में फिल करूंगा इसे। अच्छी तरह से फिल करेंगे, ज़्यादा भरेंगे भी नहीं, फिर हमें नॉट बांधने में दिक्कत होगी एंड में। और ज़्यादा कम भी नहीं भरेंगे क्योंकि एयर बबल्स रह जाते हैं ग्लव्स में। अच्छी तरह से फिल करने के बाद हम नॉट बांधेंगे। एक हाथ को मैं फिल कर चुका हूँ और नॉट भी बांध चुका हूँ, और मैं दूसरे हाथ को बांध रहे हैं फिल करके इसी तरह। ये हमने दोनों हाथ फिल कर चुके हैं। अब हम इन्हें एक साइड रख के अब दूसरी साइड पर हम अपने बोल ले लेते हैं। हमने दो टाइप की बोल ली हैं, एक तो छोटी है और एक बड़ी बोल है। ये टोकरी आपके घर में हो या फिर किसी टाइप की बोल हो, इसमें मैं हैंड को रख दूंगा, आप भी इसी टाइप से रख दीजिए। अब छोटी बॉल को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हैवी वेट वाली चीज़ रख देंगे। मैंने पत्थर रख दिए हैं और इसे ओवरनाइट हम सूखने देंगे। इसी तरह से रखेंगे फ्रेंड्स। ओवरनाइट हाथ सूख चुके हैं और हार्ड भी हो चुके हैं। अब मैं ग्लव्स कट कर लूँगा। ग्लव्स मैंने ध्यान से बड़े कट करना आप भी फ्रेंड्स। ग्लव्स कट कर चुके हैं, अब हम फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे सैंड पेपर या रिंग मार्क, आपको ये भी मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इससे हमने इसे फिनिशिंग दी है। एक्स्ट्रा सीमेंट हटाया, ब्रश की हेल्प से भी साफ कर लें सीमेंट को। दूसरे हाथ को भी इसी तरह फिनिशिंग देंगे। अब हमारा कलरिंग टाइम है। अब मैं पहले व्हाइट कलर करूंगा। अच्छी तरह से व्हाइट कलर करेंगे हम। आप भी फैब्रिक एक्लेरिक कलर लें।
एक हाथ पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरे हाथ पे भी कंप्लीट होने ही वाला है। छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पर छूट गया उसे भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। दोनों हाथों पे व्हाइट कलर हो चुका है, अब हम सूखने रख देंगे। अब ये कलर व्हाइट कलर तो सूख चुका है, अब हम अदर कलर करेंगे। मैं यहाँ पर स्किन कलर करूँगा हाथों पर। स्किन कलर के लिए मेरे पास ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं था, आप ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर कलर को मिक्स करके बनाऊँगा। मैंने यहाँ पर रेड और येलो कलर लिए हैं, पहले मैं रेड कलर ले रहा हूँ। रेड और येलो को मिक्स करके हम ऑरेंज बनाएंगे। ऑरेंज बनाने के बाद हम उसमें व्हाइट कलर मिक्स करेंगे। अब येलो कलर मिक्स करेंगे। येलो कलर ऐड करने के बाद हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। थोड़ा सा और येलो कलर डालेंगे। अब मैं व्हाइट कलर मिक्स कर रहे हैं। व्हाइट कलर मिक्स करने के बाद ये स्किन कलर बन जाएगा। थोड़ा सा और व्हाइट कलर डालेंगे। ये देखिए हमारा स्किन कलर कितना अच्छा बन चुका है। अब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा स्किन कलर कलर मिक्स करके जो हमने बनाया। देखिए अप्लाई करने के बाद भी कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैं अब सारे हाथ पे इस पर कंप्लीट कर दूंगा कलर को। अच्छी तरह से कर देंगे कलर। सारे कलर को इसी टाइप से कर रहे हैं। कॉर्नर्स पर भी ध्यान देंगे, जो कोने हैं उन पर अच्छी तरह से कलर कर रहे हैं। एक हाथ पर कंप्लीट हो चुका है कलर, अब दूसरे हाथ को भी इसी टाइप से करेंगे। दोनों हाथों पर कंप्लीट कलर हो चुका है, इन्हें सुखा देंगे। सुखाने के बाद मैं पेंसिल ले रहा हूँ, पेंसिल की हेल्प से मैं नेल्स बनाऊंगा। पहले हम पेंसिल से नेल्स बना लेंगे। सारे नेल्स इसी टाइप से पेंसिल से बना लेंगे। दूसरे हाथ के भी मैंने नेल्स इसी टाइप से बना लिए थे। अब मैं इन नेल्स में वाइट कलर करूँगा। पहले मैं आउटलाइन करूँगा कलर से, इस टाइप से आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद अंदर फिल करेंगे। अच्छी तरह से कलर कर लेंगे। देखिए हमारे हैंड्स बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। फिंगर्स पे भी हम इसी तरह टाइप से कर लेंगे कलर, वाइट कलर को नेल्स की शेप में।
ये देखिए हमारे हैंड पॉट्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कमेंट बॉक्स अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह हमें कमेंट बॉक्स में आप आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। ये गार्डन पॉट आप कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर जिन्होंने हमें आइडिया दिया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।